हाय गाइस, वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम सीखने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को। तो सबसे पहले हम उन कंडीशंस को जानेंगे जिनको फुलफिल करने के बाद ही दो मैट्रिसेस को हम आपस में इक्वल बोलेंगे। अब गाइस, सबसे पहला जो कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम होना चाहिए का क्या मतलब है सर? तो ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या देगा हमें? ये देगा हमें ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर। मतलब कि जितना रो पहले मैट्रिक्स में होगा उतना ही रो दूसरे मैट्रिक्स में, और जितना कॉलम पहले मैट्रिक्स में होगा उतना ही कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया है ना। तो सेकंड कंडीशन क्या है सर? तो गाइस, सेकंड कंडीशन है कि करस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब करस्पोंडिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए बी सी डी, और मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ ए सी बी डी, है ना। अभी आप देखेंगे तो इसमें दो रो हैं, मतलब रो को पहले लिखेंगे, और दो कॉलम हैं, मतलब कॉलम को बाद में। तो 2 × 2 का मतलब ऑर्डर दो हुआ, इसका भी ऑर्डर दो होगा, है ना। तो सर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम तो यहाँ पे बराबर है सर, लेकिन करस्पोंडिंग एलिमेंट क्या सेम है सर? तो देखो, यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है, वन ए, और इस प्लेस पे क्या है, यहाँ भी ए है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डी है, यहाँ पे भी डी है। अब अगर गाइज आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बी है, लेकिन इस प्लेस पे यहाँ पे क्या है, सी है। मतलब करस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। जब करस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं होंगे, ऑर्डर सेम हो चाहे नहीं, तो हम बोल देंगे कि ये इक्वल नहीं है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, कि आपको ये दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करना होगा, ये बताने के लिए कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आपको करवाते हैं जो कि इसी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड होंगे। तो गाइज, अपने सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम ट्राई करने वाले हैं। आपको ये बताना है इन सभी क्वेश्चंस में कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे तीन रो हैं और दो कॉलम है ना। और इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो रो है और तीन कॉलम है। मतलब कि रोज इक्वल नहीं है, कॉलम भी इक्वल नहीं है। तो पहला ही कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए था, फुलफिल नहीं किया, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है, है ना। अभी गाइज, इस दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे तो यहाँ पे दो रो हैं, यहाँ पे भी दो रो है, यहाँ पे तीन कॉलम है ना, यहाँ पे भी अपना तीन कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल ही सेम है। अब अगर ऑर्डर सेम हो जाए तो नेक्स्ट जो आपको चेक करना है कि क्या करस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है। तो आप देखिए कि यहाँ पे करस्पोंडिंग एलिमेंट वन है दोनों ही मैट्रिसेस में, यहाँ पे करस्पोंडिंग एलिमेंट टू है दोनों ही मैट्रिसेस में, यहाँ पे तीन है, चार के प्लेस पे चार है, पाँच के प्लेस पे पाँच है, और छः के प्लेस पे छः है। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम हुए, एक दूसरे के डुप्लीकेट हुए। इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे का मतलब एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे। तो होपफुली इस कॉन्सेप्ट को आप सीख पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गाइज अपने पास है, सबसे पहला हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर को चेक करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तीन रो हैं और तीन कॉलम हैं,
तो 3 × 3। इस वाले भी मैट्रिसेस में तीन रो हैं और तीन कॉलम है, मतलब 3 × 3। ऑर्डर बिल्कुल सेम हुआ। नेक्स्ट काम क्या है अपना? नेक्स्ट काम है करस्पोंडिंग एलिमेंट चेक करना। तो गाइज करस्पोंडिंग एलिमेंट ए हुए, बी हुए, सी हुए, डी के प्लेस पे डी है, ई के प्लेस पे ई है, एफ के प्लेस पे एफ है, जी के प्लेस पे जी है, एच के प्लेस पे एच है और आई के प्लेस पे आई है ना। आप देख रहे हैं करस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए गाइस। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का क्या है? तो डुप्लीकेट है। आप गाइस जस्ट देखिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को और आप ये बताइए कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं सर। तो मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वालिटी के दो कंडीशन को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखा जाए गाइस। आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं जो कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे ही बेस्ड हैं। तो गाइस हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला अपने पास क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि ये दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और हमें ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। अब गाइज ये ऑलरेडी गिवन है हम लोगों के को कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, का मतलब कि करस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप देखिए यार कि ए के प्लेस पे इस वाले मैट्रिक्स में 1 है, का मतलब ए का वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। और सी के प्लेस में आपको दिखाई देगा कि 3 है, का मतलब कि सी का कितना वैल्यू हुआ? 3 हुआ। और गाइज बी के प्लेस पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 2 है, यानी कि बी का वैल्यू 2 के बराबर होगा। और डी के प्लेस पे आपको दिखाई देगा कि इस वाले मैट्रिक्स में 4 है, मतलब कि डी का वैल्यू 4 के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं गाइज कि इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे ही आसानी से सॉल्व कर लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है कि a प्लस बी 2, 5 और a माइनस बी और एक दूसरा मैट्रिक्स है 6, 2, 5, 8 और दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो a और b के प्लेस पे 6 है, तो हम क्या लिख देंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6। और आपको दिखाई देगा कि a माइनस बी के प्लेस पे 8 है, का मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 8 है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 14, का मतलब a इज इक्वल टू 7 है ना। तो a का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया? 7। अब गाइज किसी भी एक इक्वेशन में इसे डाल दो, a प्लस बी इज इक्वल टू अपने पास था 6, मतलब b इज इक्वल टू 6 माइनस a, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 14। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया कि b इज सॉरी 7, तो b का वैल्यू कितना मिल गया? माइनस 1। तो गाइज आपको यहाँ से हम a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो है ना, कुछ भी एक इक्वेशन दे दे आपको, जस्ट आपको करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को चेक करना है और सॉल्व कर लेना है, दैट्स ऑल। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और हम आगे भी मैट्रिसेस के सीरीज को बढ़ाएंगे, तो आप चैनल पे प्रॉपर विजिट करते रहिए ताकि आपको अगले पार्ट भी आप सीख पाएँ।